feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ अपने लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर। फिलहाल मैंने वॉशिंग मशीन को रखा हुआ है अपनी बालकनी में, और जो ये मेरी बालकनी है, ये एक लंबा स्ट्रेच है जो कि पूरा जो भी मेरे घर का फ्रंट है उस पर बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि इसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 3 फीट है। उसके अलावा दोनों तरफ की अगर मैं स्कर्टिंग हटा दूँ तो उसके बाद सिर्फ 2.5 फीट ही एरिया मेरे पास बचता है। तो बस उसी में मैंने इस तरीके से अभी फ़िलहाल जो सिस्टम बनाया हुआ है वॉशिंग एरिया का, इस तरीके से एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है इस कॉर्नर में, और इस लॉन्ड्री से रिलेटेड सारा सामान, सारे डिटर्जेंट वगैरह, उसके अलावा जो मेरी मॉप बकेट है वो भी यहीं रहती है। तो पोछा लगाने के लिए जो जो ज़रूरी सामान है, क्लीनिंग सप्लाइज़ हैं, वो भी यहीं रहती हैं। और इस तरीके से शेड मैंने लगाई हुई है ताकि धूप और बारिश से बचाव हो सके। उसके अलावा हमारे घर में लगभग 7 से 8 CCTV लगे हुए हैं, उसके जो वायर्स हैं वो भी यहीं से गए हुए हैं। और साथ में कुछ सामान मैंने यहाँ पे लगाया हुआ रखा हुआ है, हैंग किया हुआ है, क्योंकि जो फ़िलहाल नीचे मैंने एक रैक रख के सामान रखा है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है मेरे पास। और उसके अलावा मेरी लॉन्ड्री बास्केट भी यहीं रहती है, तो फ़िलहाल काफ़ी मैसी सा सब कुछ लगता है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए मैंने इस तरीके का एक रैक मंगाया है, और स्लिम स्लाइड ट्रॉली है ये, काफ़ी अच्छा स्टोरेज है। टोटल 4 शेल्व्स हैं इसके अंदर, और इसका जो असेंबली थी वो भी काफ़ी इजी थी, और यश ने और मैंने मिलकर लगभग 5 से 6 मिनट में इसे असेंबल कर लिया था बिल्कुल आसानी से। हालांकि इसके साथ कोई इन्होंने दिया नहीं था प्रोसीजर कि किस तरीके से करना है, बट बहुत ईजी था इसे असेंबल करना। अब क्योंकि मेरी बालकनी की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है, तो इससे बड़े रैक रखने की वहाँ गुंजाइश थी भी नहीं। उसके अलावा वुडन भी मैं नहीं रख सकती थी, क्योंकि जब बारिश आती है तो थोड़ी बहुत छींटे तो अंदर आती ही हैं, तो वुडन रैक का ख़राब होने का ख़तरा वहाँ पर रहता ही है। तो बस इस तरीके से इसे हमने असेंबल कर लिया। नीचे व्हील्स हैं, वो सबसे अच्छी बात है। इसके बाद एक बहुत ही आसान सा DIY मैंने तैयार किया, और बहुत अच्छी पेंटिंग या ड्राइंग मेरी है नहीं, तो बस थोड़ा सा बस हाथ आजमाया इस तरीके से, और एक कार्डबोर्ड का पीस लिया मैंने और उसके ऊपर ग्लू लगा के, मेरे पास एक हैंडमेड शीट थी ब्लैक कलर की, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया ताकि एक चॉकबोर्ड का इफ़ेक्ट आए। साथ ही बैक साइड में भी मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इसे मैं ग्रिल पे हैंग करूँगी तो ये पीछे से विजिबल रहेगा, तो इसको भी मैंने कवर कर दिया वाइट A4 साइज़ की शीट की हेल्प से। और ये DIY मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर बनाया है, बताया आपको पहले, बहुत आसान है। और पहले मैं सोच रही थी इस पर एक्रेलिक कलर से पेंटिंग करूं, बट मैंने जैसे बताया मैं इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा हाथ साफ नहीं है, तो फिर मुझे ये ऑयल पेस्टल कलर मिल गए अपने पास, तो बस एक वाइट ऑयल पेस्टल की हेल्प से मैंने इस तरीके से कुछ लॉन्ड्री वॉश ड्राई एंड फोल्ड एंड रिपीट टाइप स्लोगन मैंने एक लिखा, जो कि बहुत ही कॉमन है वॉशिंग एरिया का के लिए इस तरीके के कोट। और इस तरीके से एक कपड़े हैंग हुए, इस तरीके से एक मैंने ड्राइंग भी बना दी और पता नहीं कैसी बनी है, और इस तरीके से कुछ लीव्स एंड फ्लावर्स बना दिए। और बस बहुत ज़्यादा कुछ मैंने इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसको बाहर टांगूंगी ओपन में, वहाँ धूप भी आती है और बारिश भी आती है, तो इस वजह से मुझे पता है वहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए ये सब चीज़ें चलने वाली नहीं है। बस एक अपनी मन की खुशी थी कि ये बनाना है और वहाँ पे हैंग करना है, तो फिलहाल इसलिए मैंने इसे बना लिया। अब मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, बट मुझे ये लगा कि इसे बनाने के बाद बाहर तो ये ख़राब होना है, तो मैंने इसे एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया। तो जो कपड़े वगैरह जिसमें आते हैं इस तरीके की, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन मैंने ली, और सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से एक वूल की हेल्प से इसको ऊपर होल्ड किया, और क्योंकि मुझे इसे हैंग करना था, और एक फिर प्लास्टिक का जो एक पॉलीथीन मतलब मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है, और बहुत अच्छे से इसको सिक्योर कर लिया है टेप की वजह से, ताकि जो भी होल्स हैं वहाँ से पानी अंदर ना जाए, क्योंकि जिस टाइम पर बारिश आती है तो बहुत तेज़ मतलब पानी के बौछारें बालकनी तक पहुँचती है। तो पॉलीथीन चढ़ाने के बाद हालाँकि इसका जो लुक है थोड़ा ख़राब हो गया था, जो इसके कलर्स से थोड़े डल लग रहे थे, बट ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए अगर इसे मुझे चलाना था तो ये स्टेप ज़रूरी था। और कपड़े सुखाने वाली जो पिन होती है, क्लिप्स होती हैं, उसकी हेल्प से मैंने इसको इस तरीके से ग्रिल पे हैंग कर दिया है।
अब क्या है, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी है इसके जस्ट ऊपर जो छत है वहाँ पर हम जो चिड़िया है उनको दाना डालते हैं, उनका पानी भी वहीं रखा रहता है। तो इस वजह से क्या है, उनको दाना पानी ही और खाना तो ऊपर मिल जाता है, और शेड के लिए ना छांव उनको यहाँ मेरी बालकनी में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये हरी शीट लगाई हुई है तो यहाँ पे ऊपर स्टेबलाइजर लगा हुआ है मेरे एसी का, तो उसके ऊपर उन्होंने घोंसला वगैरह बनाया हुआ है, और वो मैना भी आती है और जो गौरैया होती है छोटी चिड़िया होती है उन्होंने भी यहाँ पे अपना घरौंदा बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं, वो बहुत गंदा भी कर देते हैं यहाँ पे ना, बीट कर देते हैं, बट ठीक है। और ये उनकी एक शरारत है, जैसे बच्चे शरारत करते हैं ये भी उनकी एक शरारत है, तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो यही है कि बस हफ्ते 10 दिन में मैं यहाँ से एक बार जो दीवारें हैं उनको धो देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा कर जाती हैं। तो मुझे तो अभी इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो बताइए। भगा तो मैं उनको यहाँ से किसी भी हालत में नहीं सकती, क्योंकि अभी ये उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं प्लेग्राउंड बन गया है। पता नहीं वो आपस में लड़ती हैं या आपस में खेलती हैं, सारा दिन उनकी चीं 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 चलती रहती है बिल्कुल। जहाँ ये विंडो आप देख रहे हैं, ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम की विंडो, इसके जस्ट ऊपर बाहर स्टेबलाइजर है, तो वहाँ पर उनकी मस्ती चलती रहती है। तो फिलहाल आते हैं वीडियो पे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने तो जो ये रैक असेंबल किया था इसको रख दिया है, सारा सामान यहाँ से हटाया, और उसके बाद जो मेरे पास सामान था इधर उधर फैला हुआ था वो सब चीज़ें इसमें एक एक करके रखी। उसके अलावा कुछ और क्लीनिंग मैंने आपको बताया कि मेरी जो मोप बकेट है वो भी यहीं रहती है, तो उस तो इसलिए फिनाइल है या जो भी फ्लोर क्लीनर वगैरह हैं सब यहीं रहते हैं, तो उनको इस तरीके से एडजस्ट किया मैंने। एक छोटी सी बाल्टी भी मैंने रखी हुई है। उसके अलावा मेरा जो बेडरूम का एसी है उसका पाइप भी यहीं पे आया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे एक बाल्टी रखनी भी पड़ती है गर्मियों में, ताकि जो पानी है वो उसमें एसी का पानी उसमें कलेक्ट हो सके। तो बस इस तरीके से मेरा काफ़ी सारा सामान इसमें आ गया है, इस रैक के अंदर, इस ट्रॉली के अंदर, और अब ये पूरी भर गई है। उसके अलावा ये जो मैंने हैंग की हुई थी एक छोटी सी बास्केट ब्लू कलर की, अब मुझे लगता है इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो बस इसका सारा सामान यहाँ आ गया है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी और शायद शायद मैं इसको अपनी किचन में हैंग करूँ, किचन की विंडो में। तो बस उसके अलावा जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा जो डिटर्जेंट वगैरह रखे हुए थे वो भी सारे मैं यहीं पर ले आई हूँ, और वो सब इसी में अच्छे से आ गया है। और उसके अलावा जो मेरा मैंने एक स्टैंड, जो लोहे का स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ था, उसके ऊपर मेरी बाकी चीज़ें भी आ गई, जैसे कि ये छोटी सी बाल्टी आपको दिख रही है वाइट कलर की पेंट की, इसके अंदर भी डिटर्जेंट है, उसके ऊपर फिनाइल है, साथ में मेरी मोप बकेट है। उसके अलावा ये देखिए पूरा ये रैक, ये जो ट्रॉली है एकदम अच्छे से भर गई है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी इस तरीके का कोई भी चेंज घर में करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब तो आती ही है, बड़ा पॉजिटिव फील होता है। ये मैंने नमक रखा हुआ है, सॉल्ट रखा हुआ है, ये मेरी पिंस हैं जो क्लिप्स होती हैं, नमक मैं सैटरडे के दिन या फिर कुछ स्पेशल डेज़ में पोछे में डालती हूँ, इसलिए रखा हुआ है। बाकी जो भी मेरी सब कपड़े धोने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब चीज़ें हैं, डिटर्जेंट है लूज़, उसके अलावा वैनिश, ईजी, रिन, जो फैब्रिक वाइटनर होते हैं, कम्फर्ट हैं, जो फैब्रिक सॉफ्टनर हैं, इस तरीके की सब जो भी मेरे लॉन्ड्री से रिलेटेड सारा सामान बहुत अच्छे से आ गया। उसके अलावा पोछा लगाने के लिए भी जो जो ज़रूरी सामान चाहिए होता है वो सब भी बहुत इजीली सारा इसमें पैक हो गया है। बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें स्टोरेज का था, इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सामान इसमें आ जाएगा। एक्चुअली जो शेल्व्स हैं इसमें चार, उनके बीच का जो गैप है वो भी काफ़ी है, तो काफ़ी अच्छी हाइट वाली जो बॉटल्स हैं वो भी इसमें अच्छे से आ गई हैं। जो जो आइटम मेरे यहाँ पर लूज़ रखे थे उनको मैं लेबल करना चाहती थी, बट जैसा कि आपको बताया बारिश का पानी भी आता है। उसके अलावा एक नल भी बालकनी में लगा हुआ है, धुलाई वगैरह मुझे बार बार दीवारों की या खिड़की की करनी ही पड़ती है, तो इसकी वजह से जो लेबल है वो ख़राब हो जाते हैं। जब तक वो वाटरप्रूफ ना हो तो यहाँ पर लेबलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, फ़िलहाल मैंने लेबलिंग नहीं की। उसके अलावा ये मेरी बकेट जो है या जो बास्केट है ये खाली हो गई है, इसको मैं किसी और पर्पज़ में यूज़ करूँगी। और ये मेरी है जो मोप बकेट, साथ में मेरी लॉन्ड्री बास्केट, सब सामान बहुत अच्छे से आ गया है। उसके अलावा रैक के ऊपर है और ऊपर से ये ट्रॉली है, ये भी हम इजीली मूव कर सकते हैं, तो यहाँ की साफ़ सफाई भी अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। तो सब चीज़ें अब बहुत अच्छे से सेट लग रही हैं देखने में भी, और बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी हो गया है ये वाला एरिया। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो उसके हिसाब से काफ़ी फंक्शनल ये एरिया हो चुका है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। उसके अलावा होम डेकोरेशन के कई और वीडियोस पे मैं काम कर रही हूँ,
जल्दी ही आप सब लोगों के सामने वो लेकर के आऊँगी। और फिलहाल इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, और नए अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।